नमस्कार दोस्तों, मोगरे मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दी खांसी जुकाम के लिए यूज़ किए जाने वाली सबसे बेस्ट सिरप के बारे में या फिर दवाई के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, हम ऐसे सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल सर्दी खांसी में किया जाता है और गीली और सूखी खांसी में भी किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये है हीटर्स डी सिरप जो कि हीलिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपको 5 ml सिरप में सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg देखने को मिलेगा और फेनिलएपिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और डेक्स्ट्रोमीथोरफेन 10 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस सिरप की MRP की बात करें तो ये आपको 100 ml की बोतल ₹100 में भारत में कौन से भी मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके यूजेस या फिर फायदे के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हिल्टस डी सिरप। इसका यूज़ या फिर उपयोग सर्दी हो जाने पर किया जाता है या फिर नसल डिकंजेस्टेशन के लिए किया जाता है और कफ रिलीफ के लिए या फिर खांसी को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल आप अगर अपने गले में दर्द हो रहा होगा तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सिरप है इसका जो कि खांसी और सर्दी दोनों के काम में आता है। और दोस्तों, इस सिरप के डोसेज की बात करें तो दोस्तों, इस सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार ही लेना है या फिर इस सिरप को आप बच्चों को 5 साल से ऊपर के बच्चों को 5 ml दिन में 3 टाइम दे सकते हो और एडल्ट पर्सन के लिए इस सिरप को 10-10 ml दिन में 2 बार लेना है। तो दोस्तों, कभी भी इस सिरप का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इस सिरप का यूज़ करें या फिर सेवन करें। और दोस्तों, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।